खुमार में तेरे जी रहे यूं के हम सा कोई जिया न होगा। वो लड़ती झगड़ती थी, शोर हंगामा करती थी, एक रौनक तो थी घर में। अब तो इस सन्नाटे से मुझे खौफ सा आने लगा है। कभी कभी सन्नाटा तोड़ने के लिए अपने इर्द गिर्द बने खौल को तोड़ना पड़ता है माँ। जिल्ले हुमा की मौत के बाद से आपने अपने आप को एक खौफ के खौल में बंद कर लिया है। पहले उस खौफ से तो बाहर निकले। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे इस खौफ से बाहर लाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है? मैं हरीम के वालिद से मिलकर हरीम का हाथ मांगना चाहती हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन बहुत जरूरी है कि तुम हामी भरो और हरीम से भी उसकी मर्जी पूछ लो। मेरे बच्चे, एक छोटा सा कदम बसा औकात बड़ी बड़ी मुश्किलों से इंसान को बाहर लाने में मदद करता है। अपने लिए नहीं, मेरे लिए तुम्हें यह कदम उठाना होगा। मां, हरीम के साथ मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है, ट्रस्ट है। प्लीज उसे कमजोर मत कीजिए। कमजोर नहीं मुदस्सिर, और मजबूत होगी, मेरा यकीन तो करो। देखो, वो बच्ची भी तनहा जिंदगी गुजार रही है, उसे भी माशरे का सामना है। तुम्हारा साथ उसके लिए एक प्रोटेक्शन का एहसास बन जाएगा। अरीम बहुत स्ट्रांग लड़की है, उसने अपनी जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल हालात को हंसकर झेला है, उसे वीक ना समझें। मेरे दिल में हरीम की बहुत इज्जत है, कदर है। मैं कोई ऐसी वैसी बात करके अपनी कदर खोना नहीं चाहता। अगर तुम कहो तो मैं करके देखूं। क्या कहेंगे आप? मैं कहूंगी, मेरे बेटे को नहीं, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम मेरे घर मेरे बेटे की दुल्हन बनकर आ जाओ, मेरे घर में रौनक कर दो। खुदा का शुक्र है, घर से बात तुम्हें यूं हंसते देखा। खाना खाए? हाँ। रूफी बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि हमें हरीम की तरफ से खुला का मुकदमा दायर कर देना चाहिए। किस लिए अबू? क्या मतलब किस लिए बेटा? इस तरह अकेले कब तक जिंदगी गुजारोगी? अकेले क्यों? आप लोग हैं ना मेरे साथ। बाबा ठीक है रेडी, तुम्हें कभी ना कभी अपने लिए फैसला तो करना होगा। भाई, मैं जिंदगी के इस बाप को हमेशा के लिए बंद कर चुकी हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बात दिलचस्पी की नहीं है बेटा, बात है जरूरत और दानिशमंदी की। देखो, एक बाप होने के नाते मेरा ये फर्ज है कि मैं अपनी जिंदगी में ही तुम्हारा हाथ इसी महफूज और मजबूत हाथ में थमा दूं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं इनसिक्योर फील कर रही हूँ? ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं करती अबू। हरीम, बहुत अच्छी बात है कि तुम ऐसा महसूस नहीं करती। एक औरत को मजबूत होना चाहिए, लेकिन बाबा भी गलत नहीं कह रहे। तुम्हें किसी भी हालत में खुला हासिल करना होगा।
बाबा हम कोर्ट भी जरूर जाएंगे, लेकिन पहले एक दफा मुझे फायज से खुद बात कर लेने दें। कोई जरूरत नहीं किसी से मिलने मिलाने की या किसी के सामने गिड़ गिड़ाने की। खुला मेरी बेटी का हक है, हम कोई किसी से भीख तो नहीं मांग रहे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है बाबा, अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जब से आप मेरी जिंदगी में वापस आए हैं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे तपती धूप से घनी छांव में आ गए। दिल का रिश्ता भी कितना अजीब होता है, इंसान हालात की संगीनी वाकयात की तलखियां भूल जाता है। अब आप मेरा साथ छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। इस दिल ने इतने सदमे झेले, ये नहीं झेल सकूंगी। कैसी बातें कर रही हो लाइबा? मैं खुद तुम्हारे पास वापस सारी किस्तें चला कर आया हूं, वो छांव की तलाश हूं जो मुझसे कहीं खो गई थी। मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जिस ऐशो आराम की जिंदगी की तुम आती हो, वो शायद मैं तुम्हें कुछ अर्से ना दे पाऊं, क्योंकि घर वालों से अलग होने के बाद मेरे पास एक मामूली नौकरी के अलावा कुछ भी नहीं है। किस ऐशो आराम की जिंदगी की बात कर रहे हैं आप? वो जिस पर मैं शर्मिंदा और नादिम। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए वकास, जिसके लिए कभी मैं आपको कोई गलत काम करने पर मजबूर करूंगी। मुझे बस आपका साथ चाहिए। आप मेरे साथ होंगे तो एक वक्त की रोटी और अगले वक्त की भूख भी मुझे कबूल है। तो फिर ठीक है, मैं कुछ इंतजाम कर लूं फिर बताता हूँ कि हम शादी कब कर रहे हैं। जब तक तुम अपने घर वालों को राजी करो। देखो लाइबा, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत तो दूं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे बाकी रिश्तों की मोहब्बत से महरूम कर दूं। वकास, मसला सिर्फ मम्मी का है, डैडी तो हमेशा से मेरे साथ। मुझे उम्मीद है कि फाइज भाई भी राजी हो जाएंगे। आंटी की फिक्र क्यों कर रही हो, वो भी मान जाएंगी। नहीं, आप मम्मी को नहीं जानते। मम्मी जैसी जिद्दी और अनाप्रस्त औरत मैंने नहीं देखी। मम्मी टूट तो सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। कॉफी तो पियो। हेलो, रूफी बात कर रहा हूं। जानता हूं, पर ये जानना चाहता हूँ क्यों बात कर रहे हो। हमारे बीच में ऐसा कौन सा ताल्लुक रिश्ता रह गया जो तुम बात कर रहे हो? कहते तुम ठीक रहे हो फाइज, ताल्लुक की सारी डोरियां तुमने अपने हाथों से काटी हैं। बस एक धागा रह गया जो तलवार की धार जैसा तेज और नामेहबान। उसे मेरी बहन की शहरक से हटा दो ताकि वो सांस ले सके, इस दुनिया से अपने हिस्से की खुशियां ले सके। उसका हक है फाइज, उसे महरूम ना रखो, उसे तलाक दे दो। मुझे भी ऐसे शहरक को काटते रिश्ते को कायम रखने का कतई कोई शौक नहीं है। मेरी सांसों को भी मुसलसल जख्मी करता है ये रिश्ता। लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है, इसको तुम मेरी इज्जत समझ लो या मेरी अना की तस्कीन। हरीम को अपने गुनाहों का इकरार करना होगा,
वो जब तक मासूम बनी रहेगी उसको इस रिश्ते से रिहाई नहीं मिलेगी। क्यों करे वो अपने गुनाहों का इकरार जब उसने कुछ किया ही नहीं? तुम्हें बदगुमानियों के तीरों से शिकार किया गया है, मेरा यकीन करो फाइज। और अगर अभी भी मैं तुम पे और तुम्हारी बहन पे यकीन करूं तो इस रोए जमीन पे मुझसे ज्यादा अहमक और बेवकूफ इंसान कोई नहीं होगा। तो हमारे पास कोर्ट जाने के अलावा कोई और चारा नहीं है। जरूर जाओ, शौक से जाओ। आज जो बात चंद लोगों को पता है वो सारी दुनिया को पता चलेगी। अच्छा है ना मेरे जैसा कोई बेवकूफ अहमक ना समझ तुम लोगों के दाम में आने से पहले 100 बार सोचेगा। तुम इतने बेरहम, इतने संगदिल तो नहीं थे? जानता हूं, जब दिल एक संगदिल से मोहब्बत करे, एक पत्थर दिल को पूजे, तो खुद भी पत्थर दिल हो जाता है। अब दिल दिल ही कह रहा, मैं भी पत्थर दिल हो गया। मैं ऐसा नहीं था। सर कॉफी पीनी थी तो हम घर चलते, मैं सच्ची कॉफी बना के पिला सकती थी आपको। कभी कभी पैसे खर्च करना अच्छा लगता है, क्या ख्याल है आपका? जिंदगी में कुछ मोमेंट्स होते हैं जिनके लिए जगह मखसूस करनी पड़ती है, और जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसके लिए आपका घर मुनासिब जगह नहीं थी। वहां आपके वालिद साहब होते हैं, आपका भाई भी है। ऐसी क्या बात है? निसरीन, मेरे दिल में आपके लिए बहुत एहतराम है, बहुत कदर है। सेम हियर सर। ये बहुत मुश्किल बात है जो मैं कहना चाहता हूँ, और मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से इस बात पर आमादा किया है। आप मेरे मुतालिक कोई गलत राय कायम मत कीजिएगा। आप अपने फैसलों और मर्जी में हर तरह से आज़ाद हैं, कोई प्रेशर मत लीजिएगा। मेरी माँ की ख्वाहिश है, और ये बात मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ कि अब वो अपनी ख्वाहिश से पीछे हटने वाली नहीं है। तो मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं पहले आपसे बात कर लूँ। जी सर। मेरी माँ आपके घर आकर आपके वालिद साहब से बात करना चाहती हैं, और उनकी ख्वाहिश है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी से अपने माजी का हवाला ख़त्म कर दें तो मुस्तकबिल में हमारा कोई नया ताल्लुक बन सकता है। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी, मैं बिल्कुल समझ रही हूँ। आंटी ने खुद कई बार ढके छुपे अल्फाजों में अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है, मैं बेखबर नहीं हूँ। मैं आपसे आपकी मर्जी और राय बिल्कुल नहीं पूछूंगा। हमारे दरमियान इज्जत और एहतराम का रिश्ता हमेशा ऐसे ही कायम रहेगा। आप अपनी ज़िंदगी से मुतालिक जो भी फैसला करें अपने घर वालों को बता दीजिएगा। मेरी वालदा आपके घर किसी भी वक्त आ सकती हैं, और आप तो जानती हैं कि माओं के सर पर अगर अपनी औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से कोई धुन तारी हो जाए तो एक एक नवा काटना बड़ा भारी पड़ता है। सर अच्छा हुआ आपने बात मुझसे कर ली, वरना अबू तो मुझसे पूछे बगैर ही शायद हाँ कह देते। अबू पर भी मेरे मुस्तकबिल के हवाले से यही धुन सवार है। आई थिंक ही इज राइट, ऐसे ही होना चाहिए।
आप भी यही समझते हैं? देखिए मिस सरीन, आज नहीं तो कल आपको ये फैसला तो करना पड़ेगा, और ज़िंदगी में एक बाएतमाद साथी का होना ज़रूरी भी है और ये ब्लेसिंग भी है। बाएतमाद, यही कहा ना आपने मुदस्सिर साहब? सॉरी, मैं दखल अंदाजी की माजरत चाहता हूं, लेकिन ये वक्त जो इंसान को दामन से पकड़ के खींच लाता है और कई चेहरों की असलियत दिखा देता है। सोचा नहीं था आके कॉफी पीऊंगा, लेकिन दिल में ख्वाहिश उठी के बाहर जाता हूं, अपनी तरफ यादों को मिटाने के लिए कॉफी पी लेता हूं। मुझे क्या पता था कि कॉफी नहीं कड़वे खून पीऊंगा मैं। भाई साहब, आपको किसी ने मजबूर नहीं किया कि आप इस तलखी को अपनी जिंदगी में शामिल रखें। ओ, मुझे आपसे इसी जवाब की तवक्का थी, लेकिन मैं खुद को मिलने वाली हर तल्ख याद को लौटाना चाहता हूं। मुझे आपसे हमदर्दी है, क्योंकि इन जैसी खातून के दाम में फंसने वाला हर शख्स हमदर्दी का मुस्तहक है। अभी आप लोग थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहे थे, खुल के मुस्कुराइए, क्योंकि इसके बाद तो ना कभी आप मुस्कुरा सकेंगे और ना ही कभी रोने के लायक बाकी रहेंगे। ऐसे सारी बातें एक तरफ, एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस लड़की के साथ आप अभी डेट पे, वो अब भी किसी की बीवी है। और हां, इनसे पूछ जरूर लीजिएगा कि इनकी फहरिस्त में और कितने नाम बाकी हैं। मिस्टर फाइस, अफसोस का मकाम यह है कि मिस हरीम जैसी लड़की आपकी जिंदगी की साथी बने, लेकिन आप एक छोटे दिल, छोटी जहनियत के कमजोर इंसान निकले। एक टेबल के गिर्द आमने सामने बैठे मर्द और औरत हमेशा डेट पर नहीं होते हैं। यह हमारे माशरे की पस्त सोच का अलमिया है। लेकिन एक बात की खुशी है मुझे, मिस हरीम ने आपसे अलग होने का फैसला कर लिया है। यू डोंट डिजर्व हर। चले हरी, आज तक अपने बेटे की कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ी। आपकी बेटी बहुत लकी है कि मेरे बेटे ने उसका इंतखाब कर लिया। ये बात मेरे दिल से कभी नहीं जाएगी कि तुमने उस बेकार सी लड़की को मुझ पर प्रायोरिटी दी। कभी नहीं जाएगी। तेरी कहां से उस चुड़ैल लड़की ने ना हमारे बेटे को फांस लिया। अगर इस वक्त उमर हमसे उखड़ गया ना, तो पैसा तो हाथ से जाएगा ही, साथ साथ औलाद भी जाएगी। मुझे तो लगा कि आप गाड़ी में बैठते ही बहुत जोरदार तरीके से रोएंगी। ऐसा क्यों लगा? जब अल्फाज सच हो तो चोट तो लगती है, दर्द भी होता है।
यही दर्द सहते सहते मैं पत्थर हो गई। ना ये लफ्ज नए है, ना ये दर्द नए है, तो मुझे रोनस भी नहीं आता। गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या सोच रही हैं आप? भाई और अबू चाहते हैं कि मैं अदालत में खुला का केस दायर करूं। इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप क्या सोचते हैं? अब मैं भी यही चाहती हूँ। तुम आगे बेटा, तुम कहां रह गए थे? मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे कुछ देर हो गई, सब ठीक है? सब खैरियत? बिल्कुल खैरियत है। मिर्जा साहब का फोन आया, वो कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट्स रिलीज हो गए हैं। क्या बात है फाइज, तुम्हें भी अपने डैडी की तरह कोई खास खुशी नहीं है सुनकर? डैडी ने ये सब कुछ सुन के क्या था? ऑनेस्टली मुझे उनकी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। अच्छी बातें कर रहे हैं वो। सारी जिंदगी जिस पैसे के ऊपर उन्होंने ऐश की है, अब वो पैसा उनको चुभ रहा है। बिजनेस में हजारों बातें होती हैं, कई दफा मुश्किल पैसे भी करने पड़ते हैं, मगर वो तो जैसे किसी और ही दुनिया में चले गए। मुझे कह रहे हैं कि मैं हाथ नहीं लगाऊंगा उन पैसों को। क्यों फाइज बेटा, उनको समझाओ, ये हमारी मेहनत की कमाई है, बड़ी मुश्किल से हासिल की है, हम उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम वो हर चीज दोबारा हासिल कर लें जो हमसे छीन ली गई। और मुझे पता है कि तुम इससे कुछ हासिल कर सकते हो। आई नो यू कैन डू इट। तुम ये सब कुछ बहुत बेईस औरत हो तुम, कहकशा बेगम, यानी तुमने अपने इन हालात से कुछ नहीं सीखा, लेकिन मैंने सीखा है। जेल की दीवारों से, सलाखों से, वहां की गुजरी हुई हैबतनाक रातों से, मेरे सारे हराम के पैसे मुझे जहरीले सांप की तरह दसते थे। मैं रोता था, अपने गुनाहों की माफी मांगता था, ऐसे दुआ करता था कि मुझे एक जिंदगी और मिले और मैं अपने गुनाहों की माफी मांगू, अपने दामन पे लगे सारे दाग धो डालूं। मैं जानता हूं कि ये पैसा मैंने कैसे बनाया था, अकाउंट्स कैसे भरे थे। तुम मुझे और मेरी औलाद को दोबारा उस दलदल में धकेल देना चाहती हो। डैडी प्लीज, आपको डॉक्टर ने टेंशन लेने से मना किया है, संभाले खुद को। बेटा बेटा फाइज बेटा, एक पैसा भी मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर या मेरी औलाद पे खर्च हो। वो हराम का पैसा, उस सारा पैसा गरीब और नादारों में बांट देना। क्यों, किस लिए? ताकि हम सारी जिंदगी गुर्बत और मुफलिसी में जिंदा रहे। अब नहीं फरकान, अब ये मैं नहीं होने दूंगी, अब ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। बकवास बंद कर। चला कायत, तूने मेरी दुनिया तो बर्बाद कर ही दी है, अब मेरी आखिरत भी उजाड़ना चाहती है। दफा करो इसको यहाँ से, मेरे सामने से ले जाओ, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना। डैडी दफा जाओ। डैडी संभाले, डैडी संभाले खुद को प्लीज। आपका बेटा है ना फाइज, डैडी आपको हलाल कमाई खिलाएगा, आपका ख्याल रखेगा। अगर आप उन अकाउंट को हाथ नहीं लगाना चाहते, हम नहीं लगाएंगे, लेकिन अपने आप को संभाले प्लीज। वंस बेटा, डैडी से माफ कर दो। नायवा, तुमने अपनी जिंदगी के लिए जो फैसला किया है ना, उस पे अटल रहना। मैं तुम्हारे साथ हूँ अटल। नायवा, एम्बुलेंस को बुलाओ।
बाबा एम्बुलेंस को फोन कर। मैं अपने बच्चों के पास लेना चाहता हूँ। डैडी प्लीज, डैडी प्लीज। डैड, 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 डैड। ये कैसा बुखार जो उतर ही नहीं रहा, किसको ना की सजा मिल रही है। ये बच्चे की टांग कट गई, मासूर हो गया हमेशा के लिए। इसलिए तो मैं हशर के रोज पूछूंगी उससे, आखिर क्यों किया तुमने हमारे सर के सब कुछ। शोर नहीं करो अम्मा, शोर नहीं करो, हशर की बात मत करो। मेरा हशर तो यही है जो हो रहा है मेरे साथ। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, वही काट रहा हूँ जो मैंने बोया था। कुछ ठीक नहीं होगा। माँ, माँ, एक एहसान करते मुझ पे। बोल बोल ना लाल। हरीम को बोलो मुझे माफ कर दे। मेरी बात कराओ उससे, मेरा नंबर नहीं उठा रही वो, मेरी बात करा दो उससे, उससे बोलो नाजर को माफ। दुर्दाना खाला की हद तक तो ठीक था, तुम अपने बीमार और मांजूर भाई को भी घर में ले आई। थोड़ा आहिस्ता बोले, अंदर सब सुन लेंगे। ऐसे कैसे चलेगा, मेरे घर की प्राइवेसी तो डिस्टर्ब हो रही है ना। सारा दिन कराता रहता, रोता रहता, पल भर कभी सुकून नहीं है इस घर में। मुझे नहीं पता, खाला से बात करो, उनसे कहो कि इसका ठिकाना कहीं और ढूंढे। अख्तर, आप जानते हैं ना भाई ने हमारे लिए क्या कुछ किया है। आज उन पे बुरा वक्त है, हम उन्हें इस हाल में तो नहीं छोड़ सकते ना। क्या किया, जहेज के नाम पे थोड़ा सा सामान, तो उसके लिए क्या इसको मैं अपने घर में रखूं। जो बोल दिया ना वो करो, बस एक दो दिन में बंदोबस्त करो उसका। भाई वकास साहब से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मैं मम्मी को कोई टेंशन नहीं देना चाहती। मैं वकास से मिलूंगी और वैसा ही होगा जैसा तुम दोनों चाहते हो। और जहां तक बात रही मम्मी की, तो मैं उनको समझा दूंगा। मेरे लिए यही बहुत है कि डैडी तुम्हारे फैसले से बहुत मुतमईन और बहुत खुश थे। मम्मी अभी भी यही चाहते, किसी बड़े घराने में मेरा रिश्ता हो जाए। दौलत की रेल पे नमूदो नुमाइश, लेकिन भाई मैं अब सिर्फ अपनी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत को तरजीह दूंगी। मुझे इन सब चीजों के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहां इंसान को अच्छे और बुरे तक की पहचान ना हो। तुम परेशान मत हो, बस ये डैडी का 40वां गुजर जाए, मैं तुम दोनों का सादगी से निकाह करवा दूंगा। That's my word to you. वो हरीम बेटा, मुदस्सर साहब की वालदा का फोन आया था, वो मिलना जा रही है।
जी मैं जानती हूँ। तो फिर क्या फैसला लिया तुमने? मैं फैसला कर चुकी हूँ, हम अदालत में खुला का केस दायर करेंगे। अब्बू आप आरफा आंटी से कहें कि वो इंतजार कर लें, खुला मिलने के बाद आप बुला लीजिएगा मुझे। बिल्कुल सही फैसला किया बेटा, शाबाश। और वो भी सही वक्त पर। बिल्कुल ऐसे ही चाहता था मैं, कमाल कर दिया सर। हेलो, कौन? तुम्हारा मजरम नासिर।